ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बिलासपुर बस अड्डे के भीतर चालकों परिचालकों के बीच अनबन न हो। इसके कारण सवारियों सहित अन्य बस चालकों परिचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखते ही देखते चालकों व परिचालकों ने एक दूसरे पर हाथापाई तक भी कर डाली। वहीं अड्डा इंचार्ज ने बताया कि बस अड्डे में ऐसा कोई भी मामला दर्ज नहीं आया है। अगर फिर भी ऐसा मामला पेश आया तो उन चालक परिचालकों से बात की जाएगी और उलझने के कारण पूछे जाएंगे तथा आगे से ना उलझने के बारे में समझाया जाएगा ताकि किसी भी यात्री को कोई समस्या ना आ सके। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बिलासपुर बस अड्डे के भीतर चालकों परिचालकों की झड़प ना हो। इसके कारण सवारियों सहित अन्य बस चालकों परिचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चालकों परिचालकों की झड़प के कारण कई बसें मुख्य गेट पर खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण कई देर के लिए जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। पंजाब रोडवेज के चालक परिचालक में आपस में टाइमिंग के लिए झगड़ पड़े। देखते ही देखते चालकों व परिचालकों ने एक दूसरे पर हाथापाई तक भी कर डाली। बीच बचाव के लिए निजी बसों के चालक परिचालक व स्थानीय दुकानदारों ने इस मामले को सुलझाया। इस झगड़े के कारण यात्रियों को अपने स्थान पर पहुंचने के लिए समस्या का सामना करना पड़े। आपको बता दें कि प्रतिदिन बिलासपुर बस अड्डे के भीतर सैकड़ों बसों की आवाजाही होती है, जिसमें परिवहन निगम, पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, उत्तराखंड सहित निजी बसों की आना जाना लगा रहता है। आपको बताते चलें कि मारपीट का एक ऐसा ही वीडियो बिलासपुर बस अड्डे का सोशल मीडिया पर खूब छाया रहा और दिन प्रतिदिन ऐसे मामले बिलासपुर व घुमारवीं बस अड्डों पर दिखने को मिल रहे हैं। इससे कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले पर्यटकों को भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। कई बार ये मामले पुलिस तक भी पहुंच जाते हैं। वहीं बस अड्डा इंचार्ज ने बताया कि बस अड्डे में ऐसा कोई भी मामला दर्ज नहीं है। अगर फिर भी ऐसा मामला पेश आया तो वे उन चालक परिचालकों से बात की जाएगी और उलझने के कारण पूछे जाएंगे तथा आगे से न उलझने के बारे में समझाया जाएगा ताकि किसी भी यात्री को कोई समस्या न आ सके। हुआ है चालक परिचालक का आपस में, उनके साथ पता नहीं किसी वजह से उलझने के कारण झगड़ा हुआ है और इसके बारे में इनको हमारे पास कोई गाड़ी इनकी पीआरटीसी की दर्ज नहीं होती है। फिर भी हम अगर आगे कोई झगड़ा होगा, कोई कुछ होगा ऐसा, तो इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।